बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब दोस्तों को, भाइयों को मेरा दिल से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम बहुत बीमार थे और हम तकरीबन 10 दिन तो हम ऐसे थे कि आपको क्या बताएं, हमारी ज़िंदगी अजीब हो गई थी। तो हम अगर बाहर निकलते थे तो सिर्फ हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास बस इसलिए बाहर जाते थे। तो हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, ना कहीं बाहर बच्चों को लेके गया, फैमिली को लेके गया, कहीं भी नहीं लेके गया। हमारी तबीयत इतनी ख़राब थी, हम पूरी फैमिली को बुखार था इतना तेज़, और आपको क्या बताएं। अपने बच्चों को सर्दी से बचाएं और अपने बच्चों की हिफाज़त करें। और ये मौसम भी ऐसा है, अजीब मौसम है, पता नहीं मौसम ऐसा है कि पता नहीं क्या है, कोई समझ नहीं आती क्या कहें अब। तो ये देखें, हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। ये दरियाए चनाब है यहाँ पे। ये नज़र आ रहे हैं आपको ये झाड़ियाँ, ये जब सैलाब आया था ना, जो पानी पीछे से छोड़ा था उन्होंने, ये सब डूब गई थी ये झाड़ियाँ। ये देखें, ये सब कुछ डूब गई थी यहाँ तक, ऊपर यहाँ तक पानी था। अभी तो पीछे पानी है, वो सामने, वो वहाँ पे पानी रुक गया है क्योंकि पानी पीछे से ख़त्म जो हो गया, पानी अब पीछे से नहीं छोड़ रहे। तो लेकिन जब पानी आया था तो यहाँ तक पानी था, यहाँ तक, अब पानी पीछे हो गया। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप अपने से छोटे की हेल्प किया करें, साथ दिया करें। कुछ नहीं होता, अपने ख़जाने में से, अपने पैसों में से 10, 20, 30, 40, 50, 100 जो भी हो सकता है, आप अपने से नीचे वाले इंसान को देखें जो गरीब हो और जो इस चीज़ का हकदार हो, बुज़ुर्ग हो, कोई बुज़ुर्ग जो भी जैसे भी होता है। आप खुद समझदार हैं कि आप तो कैसे कैसे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बेचारे जो है ना मांगते हैं और वो अपना गुजारा करते हैं, उनके पास कोई वसाइल नहीं होता। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप भाइयों से, आप सब से, बहनों से, दोस्तों से यही गुजारिश है। और जो ख़ास करके तो मेरी वीडियो देखते हैं, उनका चैनल मुझे याद नहीं है, चैनल भी है किसी का, चैनल नहीं भी है, तो एक भाई हैं शबाज़ भाई, वो सऊदीया में रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मेरी वीडियोस पूरी वाच करते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। वो बाहर के मुल्क रहते हैं सऊदीया में, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एक और है भाई शेर अली, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो मेरा चैनल देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं और मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी हैं, बाकी भी काफ़ी सारे हैं, क्योंकि आप जिनके चैनल हैं और जिनके चैनल नहीं हैं, वो हमारे हम उनको एक फैमिली समझते हैं, वो हमारी फैमिली हैं, तो इसीलिए आपसे हर बात शेयर करते हैं। तो दूसरी बात ये कि एक बात करनी थी मैंने, मेरे जहन में नहीं आ रही अभी। तो ये देखें कितना प्यारा, ये ऊपर पहाड़ बने हुए हैं। हम ऊपर भी गए थे एक दफ़ा, वीडियो भी बनाई थी, आपको शायद याद हो ना हो, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो मेरी वीडियोस के अंदर एक वीडियो है जो हम इस पहाड़ी के ऊपर गए थे और इतना तंग हुए और इतनी जलालत थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर जाना भी और नीचे आना भी, दोनों तरफ मुश्किल थी। तो ये देख रहे हैं आप, ये जैसे ये बेंच बना हुआ है, जैसे क्या मेरी फैमिली आई है, हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे बैठ गए। एक बेंच वो सामने है, वो सामने फैमिली बैठी है उस बेंच पे, तो ऐसे वो बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं।
तो अपना टाइम थोड़ा सा घर से बाहर रहते हैं। अभी हमारी इतनी तबीयत ख़राब थी, हम तो घर से बाहर नहीं आए, लेकिन अब कुछ तबीयत सही हुई है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार का, कि जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो ये सब अल्लाह की देन है, ये दुख सुख, ये तकलीफ़, ये सब कुछ ये नसीब की बात होती है। और आप भाइयों अच्छे काम किया करें, हेल्प किया करें लोगों की। मैं तो इस तरह के लोग ढूंढता हूँ खुद, और मैं कहता हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। और मेरी उम्मीद, जो दिल की ख्वाहिश है मेरा चैनल बनाने का मकसद, कि मैं अल्लाह मुझे इतना कामयाब करे कि मैं हर गरीब की जितनी हो सकती है मैं उनकी हेल्प करूँ। अल्लाह मुझे किसी ऐसे मुकाम पे पहुँचाए। और ये सब आप भाइयों की तामन की वजह से, आप भाइयों के प्यार की वजह से, ये आपकी सपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह हो सकेगा। और अल्लाह भी मेरा साथ देगा और आप भी मेरा साथ दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट में लाजमी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कमेंट में बताना, अभी हम यहाँ पे एक और जगह पे आए हैं जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। ये इन्होंने बनाई थी, ये ऊपर जो वेंचर है ये चलने वाली, उस पहाड़ी से ले के वो सामने वाली, तो इसका एंड जो है यहाँ तक, यहाँ पे जो है ना वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो हमने वैसे कभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, फैसलाबाद से आते हैं लोग, सरगोधा से आते हैं, यहाँ का घूमना फिरना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो वो देखें, अभी भी लोग हैं काफ़ी, आपको नज़र शायद आए या ना आए। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हैं लोग, एक मिनट कहाँ पे हैं वो देखें। अब नज़र आए आपको, लोग यहाँ पे सैर करने के लिए आते हैं। बहुत अच्छी जगह है, जब ये सूख जाता है तो तब भी लोग आते हैं यहाँ पे। और मैंने ना एक और बात करनी थी, मैंने वीडियोस में देखा, एक वीडियो देखी है, एक भाई साहब हैं, उनका नाम नहीं आता मुझे, वो अली वीर चैनल है, डेली रूटीन चैनल है, मुबशर है सदीक, मुबशर सदीक, जो वो खाने का काम भी करते हैं, खाना भी पकाते हैं और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं वो। तो वो उनको जो है ना, उनके ऊपर ब्लेम लगा रहा होता है वो भाई, तो मैं उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन ये है कि ऐसे किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाते कि वो फेक वीडियो बनाते हैं या वो ऐसे वीडियो बनाते हैं या वैसे वीडियो बनाते हैं। तो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, जो जैसे काम कर रहा है अल्लाह उसको कामयाब किया है अल्लाह ने। और कुछ आप भाइयों के तावन से भी, हालांकि मैं उसको नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कामयाब हो रहा है, अल्लाह ने साथ दिया है, ठीक है, और कई भाइयों ने, बहनों ने, दोस्तों ने, व्लॉगर्स वीडियोस का 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन व्यूज़, मतलब कि काफ़ी सारे लाइक्स, अगर कोई कामयाब हो रहा है तो वो हो जाए, तो आपको उससे क्या एतराज़ है? आप क्यों किसी से जैलिस होते हैं, किसी के ऊपर ब्लेम क्यों करते हैं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? वो भाई का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप वीडियो देख लेना, आप खुद भी, आपको शायद पता भी हो कि वो ऐसे ही हर हर वीडियो, हालांकि मैं तो अभी छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे तो अभी इतने, मेरे तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, तो उनके तो मिलियन के पास सब्सक्राइबर हैं, मिलियन उनके व्यूज़ हैं, तो वो उनके बारे में अजीब अजीब बातें करता है, इसने मेरे से पैसे लिए, ये धोखेबाज है, ये है वो है,
और भाई अगर वो कामयाब हो गया तो किसी की कामयाबी पे खुशी होनी चाहिए, किसी की कामयाबी पे जैलिस नहीं होना चाहिए। तो आजकल के लोग इस तरह के हैं कि वो किसी की कामयाबी पे जैलिस होते हैं, ना कि खुश होने के बजाय जैलिस होते हैं। सच्ची बात है कि मैं किसी का चैनल देखता हूँ, मैं देखता हूँ यार इनके इतने व्यूज़, इतने सब्सक्राइबर, इतने लाइक, मैं खुश होता हूँ। मैं खुश होता हूँ कि यार अच्छी वीडियो बना रहे हैं, भाई का साथ दे रहे हैं, भाई लोग साथ दे रहे हैं, दोस्त साथ दे रहे हैं, बहनें साथ दे रही हैं, बाहर के मुल्क वाले, पाकिस्तान वाले, हर कंट्री से लोग साथ दे रहे हैं। मैं खुश होता हूँ कि यार चलो अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो उसके इतने सब्सक्राइबर हैं, उसके इतने व्यूज़ हैं, उसके इतने लाइक हैं, मैं खुश होता हूँ। ठीक है, मेरे इतने, सच्ची में मेरे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, मेरे 1000 भी नहीं हुए सब्सक्राइबर, मेरे इतने व्यू भी नहीं होते, 40, 50, 60 मेरे व्यू हैं, और मेरी वीडियोस देखते हैं, कोई चैनल वाले देखते हैं, कोई चैनल के बगैर देखते हैं, लेकिन जो भी देखते हैं 50, 60 लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैं उनका शुक्र गुज़ार हूँ कि मेरे लिए वो इतना भी करते हैं, मैं ये मेरे लिए ये भी बहुत है। तो क्यों किसी से जैलिस होते हो, किसी से जैलिस ना हुआ करो, एक दूसरे का साथ दिया करो, एक दूसरे की हेल्प किया करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अब हम चलते हैं घर, क्योंकि शाम होने वाली है, ये ना हो कि हम फिर बीमार हो जाएं। तो अभी हम घर की तरफ चलते हैं। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।